प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1967 बुधवार को दूसरे पेज की छठी लाइन में बात चल रही थी। जो भी सन्यासी आते हैं उनको बताना पड़े, समझाना चाहिए कि तुम तो पूजा करते हो, जगत का गुरु होगा वो कोई की पूजा थोड़े ही करेंगे। अरे जगत का गुरु तो आते हैं लक्ष्य देने के लिए। जो भी मनुष्य मात्र हैं, जिन्हें नर कहा जाता है, नर को नारायण बनाने का लक्ष्य देते हैं ना, तो गोया वो ही लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? कि हम शिव की पूजा करते हैं तो तुम भी शिव की पूजा करो। फिर करके जो चीज दिखलाते हैं, देखो इतने सभी भगत हैं और सभी भगत बैठ करके पूजा करते हैं कोई न कोई की, देवता की या निराकार की। तो ये निराकार की करते हैं कौन? सन्यासी। ऊंचे की ऊंची भक्ति हुई, उसको कहा जाएगा ऊंचे की ऊंची भक्ति। पर वो भक्ति ही करते हैं ना, तो ऊंचे ते ऊंची कोई एक ही ये भक्ति थोड़े ही करते हैं, है? उनकी तो अपने अपने अलग अलग गुरु होते हैं। उन सन्यासियों के जो गुरु होते हैं उनकी भी भक्ति करते हैं ना। तो बड़े तू मान से करते हैं, मान मर्तबे से। दूसरा मंदिर में जा करके फिर लोटी चढ़ा करके आते हैं, तो अपने गुरु की पूजा करेंगे, फिर जा करके मंदिर में जड़ा मूर्ति को लोटा चढ़ा के आएंगे, लिंग को पूजन करेंगे। अब है तो चीज एक ही, कोई दूसरी चीज तो नहीं है। अब उसे चांदी की बनाओ, सोने की बनाओ, हीरे की है या कोई की भी है, स्वर्णलिंग भी बनाते हैं ना, रजत लिंग माने चांदी का भी बनाते हैं, तांबे का भी लिंग बनाते हैं, लोहे का भी। चलो वो किसका भी लिंग है, अभी वस्तु तो वो एक ही है ना। जिसकी पूजा करते हैं कहेंगे लिंग की पूजा करते हैं। अब पूजा करते हैं तो पुजारी हो गए ना, है? पूज्य तो नहीं हुए, पुजारी पूजा करते हैं, पूज्य देवताएं होते हैं,
वो थोड़े ही किसी की पूजा करते हैं। अभी पुजारी ये जगत का गुरु फिर कैसे हो सकते हैं, खुद ही पूजा करते हैं तो जगत में तो सारे मनुष्य मात्र आ जाते हैं। अब भाई पूज्य हो जगत गुरु तो भाई ठीक है, अब ये तुम तो जानते हो कि तुमको कोई ये नहीं बनाए रहे हैं, क्या तुमको कोई नर से नारायण नहीं बनाए रहे हैं? नहीं, तुमको तो जो वास्तव में कहते हैं बंदे बंदे मातरम, ये जिको भी वंदना करते हैं, ये जो कहते हैं ना, और अक्सर करके कहते हैं है, क्या कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, परंतु कृष्ण बंदे तो नहीं है, है? बंदे तो भगवान के होते हैं, और बंदे भगवान की वंदना करते हैं, तो ये तो सिर्फ एक शिव बाबा को कहेंगे। तो वास्तव में सारे जगत का गुरु, क्योंकि कृष्ण को अगर कहें कि सारे जगत का गुरु, तो उनको तो गुरु था सांदीपन गुरु, तो जगत का गुरु कैसे हुआ? तो कृष्ण वो तो सहज है कहना, अभी शिव के लिए कैसे कहें, क्योंकि शिव का तो लिंग है, हाथ पांव नाक कान तो है नहीं, अरे भाई शिव बाबा ही तो सबका उद्धार करने वाला है ना, उद्धार कैसे करेगा, उद्धार माने उत्तर ऊपर बुद्धि को मन को ले जाए, अगर मन बुद्धि नीचे की दुनिया में ही आसक्त बनी रहे तो उद्धार थोड़े कहेंगे, क्योंकि पुकारते ही उनको है। उनके लिए नहीं कहा जाता है शिव बंदे, वंदना तो तुमको करनी नहीं है, शिव को भी वंदना नहीं करनी है, कोई को भी नहीं करनी है, बाप को कोई घड़ी घड़ी कहना पड़े, घड़ी घड़ी वंदना ही थोड़े ही करते हैं। टीचर को कोई घड़ी घड़ी थोड़े ही कहते हैं भाई वंदना करो, वंदना थोड़े ही की जाती है, नहीं वंदना तो ये भक्ति मार्ग की बात है, वो बाबा तो यहां वंदना भी नहीं करने देते हैं। तो
वंदना क्यों करते बैठ करके। जबकि तुमको हम नमस्ते कर रहे हैं, यहाँ तो बाबा आकर खुद ही बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं, तो फिर वंदना कैसे करेंगे? और जो नमस्ते करते हैं वो फिर वंदना कैसे करेंगे? नमस्ते तो पूजी को की कहा जाता है, पूजी को नमस्ते की जाती है। और भक्ति मार्ग तो वो मार्ग ही है भक्ति का, वंदना तो भक्ति मार्ग का अक्षर है। तो ये बैठ करके कहते हैं कि हम हमारे आगे तो किसको भी हाथ जोड़ने का नहीं, सिर्फ यहां तो बैठ करके समझने की बात है, बुद्धि से समझने की बात है, हाथ जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। फिर कहने की भी वो ही एक बात है जो बाप समझाते हैं, बाबा ने समझाया था ना, कोई चांस ही तुमको नहीं देते हैं जो किसको बैठ करके समझाओ, जो वो समझे तो तुम बच्चों को तो देखो यहां आए हैं। कल भी आए एक ऑफिसर लोग, तो देखो सभी तो नहीं समझ सकेंगे ना, अच्छा बहुत अच्छा समझते थे कि ये बहुत अच्छा है, यही ठीक नॉलेज है। और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान रहना तो फिर यही है अच्छी नॉलेज, तो इसे ही कहेंगे। अच्छा अब हम तो ऑफिसर हैं, अभी ऑफिसर हैं तो कोई मना तो नहीं है ऑफिसरों को? नहीं, क्योंकि ऑफिसर तो यहां बहुत ही आते हैं, और ऑफिसरों में नौकरी करने वाले जैसे कोई एरोप्लेन में हो नौकरी करने वाले आते हैं, ऑफिसों में नौकरी करने वाले आते हैं ना, और बिजली कंपनी में भी तो वो ऑफिसर है ना, सभी सब ऑफिसर। एक पुलिस का सुपरिंटेंडेंट, एक इंस्पेक्टर, एक सिपाही, वो भी कोई के ऊपर ऑफिसर। अब ऑफिसर तो सभी हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या वो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है? और इसमें तो फुर्सत की बात ही नहीं है, इसमें तो मूल बात है कि अपन को बैठे बैठे आत्मा समझो, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। बाप कोई तकलीफ देता है क्या? अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाओगे। और कोई तो बात तो है नहीं बाप को याद करने के सिवाय।
और बाप जास्ती तो बात करते ही नहीं है। देखो गीता भी है, ये गीता भी देखो कितनी थोड़ी है, वो ग्रंथ वेद शास्त्र तो कितने बड़े बड़े, बाबा तो आकर के सुनाते ही हैं गीता ज्ञान, है? तो कहते हैं गीता तो इनसे भी छोटी होनी चाहिए। पंद्रह ग्यारह 1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो गीता कोई इतनी बड़ी थोड़े ही होनी चाहिए, और भागवत भी तो, जब गीता इतनी बड़ी नहीं तो भागवत फिर उनका बच्चा कैसे बड़ा होना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कोई भी चीज बड़ी नहीं होनी चाहिए, शास्त्र भी बड़ा नहीं, क्योंकि इनका अक्षर ही है मन मना भव मध्यादि भव, यानी उसका अर्थ भी एकदम एक्यूरेट पूरा है कि मां में कम याद करो तो बच्चे तुम्हारा जो पाप कर्म है वो भस्म हो जाएगा। और तुम तो बुलाते रहते हो ना, हे पतित पावन आओ, तो सो ही आकर के कहता हूं कि तुम पतित से पावन बनेगा मुझे ही याद करने से। क्या और कोई को याद करने से पावन नहीं बनेगा? क्योंकि और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो शरीर में रह करके ऐसा पार्ट बजाए कि कोई पाप न बने उस आत्मा का। कोई है? कोई नहीं। तो मुझे ही याद करने से पावन बनेंगे? जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा ना, है? परंतु मन बुद्धि से याद करने की बात है, कोई इंद्रियों से थोड़े ही याद किया जाता है। इंद्रिय से तो पूजा करते हैं। क्या क्या करते हैं? पूजा माने अरे नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पूजा करते हैं ना। यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो और सत्व प्रधान विश्व का मालिक बन जाएंगे। और ये भी तो समझते हो कि जो आकर के पुरुषार्थ करते हैं वो ही कम जास्ती जाकर के वहां राजाई का वर्षा पाते हैं। अब जैसा पुरुषार्थ करेंगे, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई कोई वास्तव में जास्ती तो है ही नहीं। पढ़ाई अगर कोई होती भी है ना, देखो बच्ची जब पढ़ते हैं तो पहली पौड़ी पढ़ेंगे, पहली दर्जा, दूसरी दर्जा, फिर पढ़ते पढ़ते दस पीढ़ी, दस पौड़ी, फिर फलाना पढ़ेंगे, टीरा पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते पिछाड़ी में जो आ करके पढ़ते हैं बड़े बड़े इम्तान, तो बस वो ही तो पढ़ते हैं, वो ही उनको याद रहता है थोड़ा। भाई हमने ये पढ़ा है, हम बैरिस्टर बना, फलाना फलाना सब्जेक्ट पढ़ा, ये पढ़ा,
तो तुम्हारे पास भी सब्जेक्ट तो बाबा समझाते हैं ना, ऐसे नहीं कि तो तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि दैवी गुण धारण करना है, देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करना है, ये भी तो सब्जेक्ट है ना, और इसके लिए भी समझाना पड़ता है बच्चों को कि ये भाई कि जो तुम्हारे अंदर आसुरी गुण है ये नहीं होना चाहिए है? आसुरी स्वभाव होना ही नहीं चाहिए बच्चों को, जब तुम्हारा लक्ष्य ही है देवता बनने का, क्योंकि असुर तो रावण था ना, रावण का तो मतलब ही होता है लोगों को रुलाने वाला है। तो देखो उसको तो फिर आसुरी संप्रदाय कहेंगे है, दूसरों को रुलाए देते, दुख दिया ना, तो बाप ने समझाया ना बच्ची, एक तरफ में है आसुरी संप्रदाय, उनको कहेंगे रावण की संप्रदाय, और जिसको जानते भी हैं बच्चे, देखो किसको बताते हैं, कहते हैं ना देखो रावण को क्यों जलाते हैं है? अरे दुनिया में भी कोई किसी को बहुत दुख देते हैं, प्रजा के लोग बहुत दुखी होते हैं तो क्या करते हैं है, उसका पुतला बना के जलाते हैं ना है? अब ये तो किसी को मालूम थोड़ी है कि रावण क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है उनको, कितना भी समझाते हैं ये है बहुत बड़ा पुराना दुश्मन भारत का है, है पुराना दुश्मन है, कितना पुराना दुश्मन है, 2500 साल का पुराना दुश्मन, और जलाते कब से आए ये कुछ पता नहीं है। अरे बताया ना, जब बहुत दुख देते हैं अब सहन नहीं होता है, सहन शक्ति से परे हो जाता है तो जलाते हैं पुतला बना के। तो ऐसे ही ऐसे नहीं कि 2500 साल से रावण को जलाते आए हैं, नहीं, जब कलयुग शुरू होता है ना तो फिर बहुत दुख देते हैं। तो देखो ये तो पता चला कि कब का पुराना दुश्मन है, ये द्वापर युग जब से शुरू हुआ, द्वैतवादी दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, तब से ये पुराना दुश्मन हा। तो अब तो वो बेचारा जब ही समझे कि भाई आधा कल्प का दुश्मन है, 2500 वर्ष का, और ये आधा कल्प में कोई दुश्मन होता ही नहीं है, इसलिए है, इसलिए कहते हैं कि भाई सुख का राज्य भी होता है, जहां सुख का राज्य होता है उसको सुखधाम कहा जाता है, पीछे जब आसुरी राज्य शुरू होता है तो उसको दुखधाम, शुरू से लेकर के दुखदान कहेंगे। कोई दुख तुम बच्चों को बाबा बोलते हैं कि मिलता नहीं है, अरे दुखदान में तो दुख ही मिलता है, परंतु मिलता है धीरे धीरे बढ़ता है दुख भी, कि एकदम बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे, फिर ये विकार में जाने से
ये पहले से ही तो दुख हुआ ना है, काय में जाने से विकार, कार माने कार्य, वे माने विपरीत कार्य। जो देवताएं कार्य करते थे है, देवताएं तो कैसे कार्य करते थे है, ज्ञानेन्द्रियों से कार्य करते थे ना है, स्नेह भी करते थे तो ज्ञानेन्द्रियों से करते थे, मुख का प्यार था वहां तो। ये नीची इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार थोड़े ही था है। तो बताया कि जब ये उल्टा मार्ग पकड़ा है दुखदायी इंद्रिय का है, तो ये दुख शुरू हुआ। कहेंगे उल्टा मार्ग पकड़ा अपन, ने वाम मार्ग पकड़ा, वाम मार्ग में गए तो ये दुखी हुआ ना। तो ये सारी बात वाम मार्ग के ऊपर है क्या, इसलिए इस सृष्टि चक्र के जो चित्र है ना उसमें समझाते हैं ना कि सतयुग त्रेता है दाई हाथ दाई ओर और द्वापर कलयुग है बाएं हाथ की ओर। तो वाम मार्ग हुआ, उल्टे रास्ते में चल पड़े। तो ये वाम मार्ग, ये विकारी मार्ग कोई कम थोड़े ही है बच्ची है, विपरीत कार्य के मार्ग पर तो चल पड़े ना। अरे बात मत पूछो, ये तो अच्छे अच्छे जो बैठ करके यहां समझते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, समझते हैं ना अच्छी तरह से। ये बच्ची ऐसी क्रिमिनल आई जो घड़ी घड़ी सावधानी न मिले और चले जावे कहां बाहर में, ये तो थोड़े वक्त में उसको हाथ लगाओ, ये करो वो करो, उनकी वो जो वृत्ति है ना अंदर संस्कार अपवित्रता के, वो सारी पवित्रता उनकी भंग हो जाए, समझा ना। हाँ ये ऐसी ही बात है बच्ची, ये आस्ते आस्ते करके भले थोड़ा अच्छा हाथ लगाएंगे, थोड़ा ही लगाएंगे, कहें करेंगे ये करेंगे हाथ लगाएंगे ये करेंगे, हाँ करेंगे करेंगे करके आखिरी में तो बस फंसे ही पड़ते हैं। तो इसमें तो फंसने का बिल्कुल है ही नहीं। किसमें है, किसमें फंसने का नहीं है बिल्कुल, ये जो कर्म इंद्रियों की बात बताई ना, वो कर्म इंद्रियां चाहे हाथ हो पांव हो या कोई भी इंद्रियां हो ऐसी कर्म करने वाली, उसमें तो शुरुआत ही नहीं करना है फंसने की। वो अक्षर ही ऐसे हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो फिर बाप कहते हैं सजा खाएंगे। तो क्योंकि काम कटारी एक दो के ऊपर चलाने से फिर सजा खाती क्या, तो इसलिए कहते रहते हैं खबरदार रहना, भले अंदर में कितना भी तूफान आए कुछ भी आए तो भी वो खता नहीं करना एकदम। सन्यासियों ने भी कहा है कि भाई ये सर्पिणी है और अपने सर्प बनने से वो भाग जाती है, क्योंकि खुद सर्प ही तो है ना,
घर छोड़ देते हैं कि जहां हम जंगल में चले जाएंगे तो न होगी वहां सर्पिणी और न हम सर्प बनेंगे, सर्पिणी में फंसेंगे। यानी सर्प तो जरूर हुए ना, ऐसे तो जरूर है ना। हाँ, पीछे अलग हो करके जा करके पवित्र बनते हैं, बस। तो उनको कहा जाएगा क्या पवित्र, पवित्र आत्मा कहते हैं। अब आत्मा पवित्र कहते हैं तो क्या मन बुद्धि से पवित्र बनते हैं? मन बुद्धि से याद नहीं करते सर्पिणी को है, क्योंकि फिर भी तो पैदाइश कहां से हुई है, पैदाइश तो वही ब्रष्ट इंद्रियों से हुई ना, ब्रष्ट कर्म से ही पैदा हुए ना। शरीर तो विकार से ही पैदा होते हैं, द्वापर युग से। बिगर विकार के तो शरीर मिल ही नहीं सकता ना। और आत्मा भी तो फिर जो पवित्र थी द्वापर युग से पहले सतयुग त्रेता में, वो अपवित्र हो जाती है ना फिर जरूर, क्योंकि जन्म बाई जन्म जो होते हैं। हाँ, अभी जन्म को कोई जानते नहीं है कि हमने कहां कैसे कितने जन्म लिए, 15/11/67 की प्रातः क्लास का चौथा पेज तीसरी लाइन, ये सन्यासी उदासी वगैरह वगैरह ये भी नहीं समझते हैं कि अरे भाई सतयुग में तो सुख ही सुख होता है, क्योंकि वहां तो है ही 16 कला संपूर्ण। सतयुग को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। अच्छा, पीढ़ियां चलेंगी जन्म बाई जन्म, कुछ थोड़े उतरेंगे धीरे धीरे, तो सुख कम होता जाएगा ना। पीछे जो हम आते हैं, पीछे तो जरूर पीछे आते हैं, तो विकार से ही पैदा होते हैं द्वापर युग से, और फिर तो ढेर के ढेर आते ही रहते हैं। कौन? वही आत्माएं आती रहती हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी भी श्रेष्ठ इंद्रियों से पार्ट नहीं बजाती हैं सुख लेने का, बस आते ही रहते हैं भ्रष्ट इंद्रियों का पार्ट बजाने वाले। भले हम कितना भी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, चलो हम विकार से घर छोड़ करके, क्योंकि एक फैशन निकल गया कि एक ने घर बार छोड़ा तो उनको देख करके दूसरों ने भी छोड़ दिया। एक आद्य शंकराचार्य निकला और उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई पढ़ाना शुरू की है, तो दूसरों ने भी धड़ाधड़, बड़े बड़े राजाओं ने भी है छोड़ दिया राजपाट, रनिवास छोड़ दिया, क्योंकि ये धर्म की तो स्थापना होनी है ना, सन्यास धर्म की भी तो स्थापना होनी है, तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी ना, तो ये भी एक धर्म है।
ये यहां सन्यासियों का सन्यास है क्या? नाम रख दिया है सं माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। तो समझते हैं कि हमने घर बार छोड़ दिया, पत्नी बीवी वाले बच्चे छोड़ दिए, तो हमने सब कुछ छोड़ दिया। अरे तो अभी सन्यास तो फिर भी तो दो प्रकार का हुआ ना, क्या अभी बाबा ने समझाया ना, एक हद का सन्यास और एक बेहद का सन्यास। तो वो तो देखो सन्यास करते आए हैं, कौन सा? हद का सन्यास करते आए हैं ना, हद की चीजों को छोड़ दिया। कितने समय से वो सन्यास करते आए हैं? कहेंगे जब से वो आए हैं तब से सन्यास शुरू हुआ। सन्यास धर्म कब से आए? वो आए आज से 1500 साल पहले। उस समय कलयुग नहीं था क्या? उस समय द्वापर का अंत था। तो कलयुग तो पहले सात्विक स्टेज में रहेगा ना, है? तो वो द्वापर के अंत में आते हैं अंतिम समय में, और अपने धर्म की स्थापना करते हैं जोर शोर से, और ढेर के ढेर राजा हैं और उनकी प्रजा उनको फॉलो करती है। तब से सन्यास करते ही चले आए। तो तुम्हारा सन्यास है एक समय, क्या एक समय माने तुम चारों युगों में से कोई युग में सन्यास नहीं करते हो? घर बार का बीवी बाल बच्चों का सन्यास करते हो? नहीं करते हो। तुम्हारा सन्यास है एक समय, कौन सा एक समय? इस पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप आते हैं तो बस इस 100 साल के संगम युग में तुम्हारा सन्यास है बेहद का। एक ही समय और एक ही जन्म का तुम्हारा सन्यास। इस समय में जो 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 सन्यास किया बस फिर चले गए अमरपुरी में, क्योंकि फिर तो वो है ही नहीं वहां दूसरा। क्या दूसरा? वो सन्यास, वो कोई हद का सन्यास तो वहां है ही नहीं तुम्हारे लिए। कहां? न हद का न बेहद का, कहां? अरे स्वर्ग में सतयुग त्रेता में न हद का सन्यास न बेहद का सन्यास। तो उनका और तुम्हारा भी कितना रात दिन का फर्क है। उन सन्यासियों का सन्यास और तुम्हारा सन्यास बहुत थोड़े समय का, उनका तो अनेक जन्मों का सन्यास। क्या है? हा? और शूटिंग भी कहां होती है? रिहर्सल कहां होती है? कौन करता है? है? ऊपर वाला करता है, सब ऊपर वाले के लिए उंगली उठा दी। कौन करता है सन्यास? शंकर जी करते हैं सन्यास। अच्छा, और तुम्हारा किसके लिए कहा? तुम्हारा सन्यास है एक समय का, ये शंकर जी के लिए नहीं कहा? पहले तो शंकर जी के लिए लागू होगा है? फिर उनके फॉलोअर के लिए लागू होगा। तो बताया क्या, जहां शूटिंग होती है रिहर्सल होती है उनमें सन्यास धर्म की शूटिंग कौन करती है? कौन है सन्यासी और उनमें अव्वल नंबर कौन है? बीकीज, बहुत सी बीकी हैं, उनमें अव्वल नंबर लक्ष्मी।
क्या कहा है, किसके फॉलोअर बनना है, है? हाँ पक्का कर लेना, स्वीकार है, है? स्वीकार है। वाह वाह रे सन्यासी संदासी जी महाराज, मन से क्या करेंगे, मन से वो ही संदास को याद करते रहेंगे और तन से दुनिया को दिखाएंगे दिखावा, क्या देखो हमने संन्यास कर दिया, अब अंदर को तो कोई जानता ही नहीं क्या हो रहा है। तो तुम एक ही बार संन्यास करते हो, घड़ी घड़ी हद का संन्यास करते हैं वो, और तुम तो एक ही बार बेहद का संन्यास करते हो, उस लिस्ट में तुम नहीं हो जो एक ही बार करते हो एक ही जन्म। अच्छा कोई कोई दो जन्म भी लेते हैं संग में, है? लेते हैं ना, है? वेद का संन्यास करते हो तो ये बातें भूल तो नहीं जानी चाहिए ना, क्या क्या बातें है, लक्ष्मी एक होगी कि लक्ष्मी नामधारी भी अनेक होंगी, हा लक्ष्मी एक ही होगी, अच्छा और नारायण, नारायण भी सतयुग में एक ही होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी और नारायण नहीं होंगे, होंगे ना, तो सन्यास किसका कहेंगे और किसका कहेंगे सन्यास नहीं है, वो तो जल्दी से स्वीकार कर लिया मैं तो सन्यासी बनूंगा, हाँ जो इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं कन्वर्ट होने वाली है, जो पहला नारायण होगा ना उसका जो बच्चा बनेगा बच्ची बनेगी और उनके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो हैं असली सन्यासी द्वापर युग से, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे कि नहीं, हाँ बाकी जो पहले जन्म की लक्ष्मी है तो सतयुग में राधा और कृष्ण माने ब्रह्मा बाबा और ओम राधे और उनको जन्म देने वाली माँ बाप, तो वो क्या सन्यासी बनते हैं, फिर तुमने कैसे स्वीकार कर लिया हम तो जन्म जन्म बनेंगे पीछे से, हैं? नहीं वो तो है प्रवृत्ति मार्ग के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, पक्के हैं अपने धर्म के, चंद्रवंशी भी हैं तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, है फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी, हाँ तो ये तो अच्छी तरह से धारण करना चाहिए, क्या कि जो अव्वल नंबर लक्ष्मी है या उसके बाद में भी दूसरी पीढ़ी में आने वाली लक्ष्मी है तो वो तो सन्यासी नहीं बनते, क्या बनते हैं, नहीं बनते हैं वो तो, तुम बच्चे जो वो इस एक जन्म में ही आकर के क्या तुम्हारा बेहद का सन्यास है, वो भी हद का नहीं, तो अच्छी तरह से ये बात धारण करनी चाहिए और उसमें भी जो वो जो है ना क्या नाम अव्वल नंबर आदि लक्ष्मी वो मन से त्यागती है क्या, मन से त्याग देना है मन बेहद का संन्यास, मन से भी याद न करे तो क्या कहें बेहद का संन्यास और मन से याद करती रहे तो क्या कहेंगे हद का संन्यास, तो फर्स्ट क्लास बेहद का संन्यास किसका हुआ है? लक्ष्मी को भी क्या कहेंगे मन से याद करना छोड़ती है, मन से याद करना छोड़ती है क्या, जगदम्बा क्या करेगी और जो भारत माता लक्ष्मी है वो क्या करेगी, क्या अंतर है दोनों, जगदम्बा तन को याद करेगी और तन की याद करना भूलती ही नहीं और
जो भारत माता है, लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी, वो मन से याद करना छोड़ पाती? मन से याद नहीं करना छोड़ती। तो वेद का सन्यासी हुई ना, तो बाप तुमको क्या सिखाते हैं, क्या बनना है बच्चे, क्या लक्ष्य लिया है? है? हमको मन से याद, बुद्धि से याद करना है। किसको याद करना है? हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, कि लक्ष्मी। हाँ नहीं, झूठा आदमी बहुत, कभी कहेगा हाँ पीछे पीछे चलूंगा, कभी कहेगा नहीं। हाँ तो ये तो अच्छी तरह से धारण करनी चाहिए। ओम शांति।